लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, किस तरह से रोहतक में विकास बढ़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था के क्या हालात हैं, और जो राजनीति का रंग है वो किस तरह से रोहतक और प्रदेश में चढ़ रहा है, इन तमाम मुद्दों पर हम रोहतक कॉन्क्लेव में चर्चा कर रहे हैं। अब अगले सत्र की तरफ बढ़ेंगे। इस सत्र में भी हम चर्चा करेंगे कि रोहतक में विकास को किस तरह से और आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी सीधे तौर पर कहें कि रोहतक में के विकास को पंख कैसे लगे, उस पर चर्चा होगी। और इस सत्र में हमारे साथ जो मेहमान होंगे, राकेश गर्ग जी होंगे कांग्रेस से, राजेंद्र सोरखी जी आपसे होंगे, और राजकमल सहगल जी वरिष्ठ उप मेयर रोहतक। आप तीनों ही मेहमानों से आग्रह है, कृपया मंच पर आए। और इस सत्र की शुरुआत मेरे सहयोगी देवेंद्र कौशिक और आयुष करेंगे। तो शुक्रिया राज, और लगातार आप देख रहे हैं, हालांकि इसके पहले आपने देखा, आप क्योंकि जब राजनीतिक चर्चाएं होती हैं तो इस तरीके का माहौल होता है, और यहां पर भी आपने देखा कि लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे थे, कुछ सवाल ऐसे उठे जिसके जवाब भी चाह रहे थे। और एक बार फिर से हम लोग इसी सेशन में आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हुए कि आखिर जो विकास की बात हो रही है या फिर जिस तरह से हरियाणा के अंदर इन विकास के पैमानों को परखा जा रहा है, उसमें कितना आगे हम बढ़े हैं, सफलता कितनी मिली है, और अभी आगे भविष्य की चुनौतियां क्या हैं। शुरुआत सबसे पहले मैं राजकमल सहगल जी आपसे ही करना चाहूंगा। सर, आप लोग अपना अपना माइक ले लें पहले। राजकमल जी, आप भी अपना माइक ले लें। सर, अभी यहाँ पर डेवलपमेंट की बात हो रही थी और डेवलपमेंट से ही मैं शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि विकास अल्टीमेटली हर कोई ये चाहता है कि विकास हो, और विकास ही सबका एक एम है, ध्येय है। उसके पीछे ही हम देखते हैं कि जो राजनीति है या उसके इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। कैसे देखते हैं रोहतक में भी, चूंकि आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, विकास के पैमाने पर कैसे आप आंकते हैं इसको? विकास के लिए तो मैं आपको किस हिसाब से बताऊं कि जितना विकास हमने यहाँ पर, जब पार्कों के बुरे हाल थे, जब अब से पहले पूर्व मंत्री यहाँ से गए हैं, ठीक है कि जनता ने उनको नहीं चुना वो अलग बात है, लेकिन जब तक वो सरकार में 5 साल जब रहे हैं और मंत्री के पद पर भी रहे हैं, तो मैंने वो कार्य करवाए हैं, जनता सारी आपके सामने बैठी है, वैश कॉलेज शमशान भूमि के बाहर इतना इतना इसके अंदर कीचड़ हुआ करता था, जो रेलवे ट्रैक की जगह थी सारी, उस ट्रैक की परमिशन लेकर के वहाँ पर 2 किलोमीटर लंबा पार्क बनवाने का काम हमने किया। लोग वहाँ पर सैर अप करते हैं। अब देवीलाल पार्क का हाल देखते क्या थे, राधे राधे पार्क का हाल क्या था, मानसरोवर पार्क का हाल क्या था। इतने हमने पैसे उस सरकार में लगवाए हैं, ठीक है। उसके बाद कोविड का आना हो गया। पहली फेज में कोविड में आपको पता ही है, आपसे मेरे से कुछ छुपा हुआ नहीं है जी। दूसरे फेज के अंदर कोविड के अंदर इतने हमने अपने लोगों को खोया, सभी व्यक्ति पंच से लेके सरपंच से लेके और प्रधान सेवक तक इस कोविड की मुहिम में लग गए, और देश के प्रधान सेवक ने इतने बड़े कार्य किए कि सबसे पहले टीका विकसित करके 125-30 करोड़ लोगों को भारत के पहले सबसे पहले बनाया, उसके बाद मुफ्त लगाया। ये तो छोटी अचीवमेंट थोड़ी है, इसमें करोड़ों अरबों रुपये डॉलर जो है देश और प्रदेश ने मिल करके इतना पैसा दे करके टीका विकसित किया और मुफ्त में लगा सबको, और तीसरी डोज भी लगी, तो किसी से कोई पैसा नहीं लिया जनता से, ये बहुत बड़ी बात है। पहले की सरकारों में तो हर चीज के पैसे लगते थे। मेरा साहब, जो कि शहर की सरकार आप चला रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल राकेश साहब से है, क्या शहर को सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा पा रहा है निगम? मैं आयुष आपको और आपके चैनल को बताऊं, हमारे शहर का प्राचीन नाम रोहतासगढ़ होता था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए, 10 साल का उनका शासनकाल रहा, और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे यहाँ से MP रहे। 10 साल के उस शासन काल के अंदर इस शहर को रोहतासगढ़ से अगर रोहतक बनाने का काम किया, तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की दूरदर्शी सोच ने किया। और ये शब्द मैं जब कह रहा हूं तो उसका मैं आपको प्रैक्टिकल प्रमाण आयुष आपको दे रहा हूं। आप ये देखिए, रोहतक, मैं दावा करके कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा शहर है जहां IIM भी है, IIMT भी है और एम्स भी है। ये सारे संस्थान लाने का श्रेय किसे जाता है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाता है। आप IIMT के अंदर चले जाइए, वहां एशियन पेंट आया, मारुति सुजुकी आई, यहां फैशन डिजाइनिंग आया, होटल मैनेजमेंट आया, बाढ़सा के अंदर कैंसर इंस्टीट्यूट एम्स लेकर आए, सुनारिया के अंदर हम IIM लेकर आए। ये सारे संस्थान 2014 से पहले इस शहर के अंदर आए। इस शहर के अंदर
आप ये यकीन मानिए कि दिल्ली से मेट्रो चली, बहादुरगढ़ आकर रुक गई। 8 साल का इन लोगों का शासनकाल है, 8 साल के शासनकाल के अंदर एक भी इंच भी मेट्रो रोहतक की तरफ नहीं बढ़ी है। और मैं दावा करके कह रहा हूं, अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहते, दीपेंद्र हुड्डा ये अगर मेंबर पार्लियामेंट उस वक्त अगर कंटिन्यू रहते, तो ये जो ये मेट्रो है ये बहादुरगढ़ तक सीमित नहीं रहती, ये रोहतक तक आ जाती। आयुष, मैं अपनी एक मिनट एक सेकंड में अपनी बात, नहीं नहीं, मेरा काउंटर सवाल है, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा। सवाल यही है ना, जो कि आपने खुद कहा कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते मुख्यमंत्री तो वो मेट्रो यहां तक आ जाती, यही तो बीजेपी कहती थी कि पूरा विकास ही आपने रोहतक तक सीमित करके रख दिया। सर ने अभी ये बताया कि यहां पर बहुत बुनियादी समस्याएं, सड़क की, नालियों की, सीवर की, अगर इतना विकास यहां पर हो रहा था तो फिर ये बेसिक चीजें कैसे छूट गई। आयुष, अभी इसी शो के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी होकर गए हैं और आपके ही साथी बैठे हुए थे, उन्होंने जब ये सवाल किया तो पंचकुला से शुरू हुए थे और नारनौल तक, उधर कालावाली से शुरू हुए थे और दिल्ली बॉर्डर तक। ऐसा प्रदेश का कोई जिला नहीं है जहां यूनिवर्सिटीज नहीं बनाई, मेडिकल कॉलेजेस नहीं बनाए, या संस्थागत निवेश नहीं आया, या वहां पर डेवलपमेंट के काम नहीं किए। मैं भाषण देने के लिए नहीं बैठा हूं आयुष, मैं आंकड़ों के साथ और हर जिले के उन्होंने जो काम किए हैं वो आप लोगों को बता रहा हूं। आप ये समझिए कि अभी हमारे साथी बैठे हुए हैं, डिप्टी सीनियर मेयर, इनके ऊपर हमारे ही शहर के अंदर सीनियर मेयर हैं। अगर आप तो प्रेस वाले साथी हैं, उनके 3-4 साल का, 4.5 साल का कार्यकाल है, आप निकाल कर देखिए। वो स्वयं इस बात को मीडिया के सामने पब्लिक डोमेन के अंदर कहते हैं, भाई अफसर मेरी सुनते नहीं, मेरे चलते नहीं। हमारे शहर का जो प्रथम नागरिक है, मेयर है, अगर वो अपने आप को अपाहिज और असहाय महसूस कर रहा है तो आप अंदाजा लगा लीजिए शहर के क्या हालात होंगे। दावा कर रहे हैं विकास का मेयर साहब, तो आप कह रहे हो इनकी चलती नहीं, मेरी बात कर रहे हैं। आप मेरे से पूछ रहे हैं, जो भाजपा की आयुष स्थिति पता क्या है, और वो ये कह रहे हैं कि देखिए हम तो कर रहे हैं डेवलपमेंट, कहा हमने कहा, हम तो इनकार ही नहीं कर रहे हैं। आप अभी 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 हमारे हमारे सीनियर डिप्टी मेयर साहब बैठे, इन्होंने एक पार्कों की बात की। मैं अभी आपके चैलेंज पे यह दावा करके कह रहा हूं कि अभी आप जाइए शहर की सड़कों को छोड़ दीजिए, सीवरेज व्यवस्था को छोड़ दीजिए, नाली को छोड़ दीजिए, कानून व्यवस्था को छोड़ दीजिए, बहन बेटी की सुरक्षा को छोड़ दीजिए। अगर पार्कों की बात करते हैं तो पार्कों के अंदर जाकर देखो गंदगी के कितने बड़े बड़े ढेर लगा दिए। चलिए, आप भी दावा कर रहे हैं क्योंकि सवाल सरकार पर उठा रहे हैं, सवाल राजेंद्र सोरकी जी से भी है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, क्योंकि अब वो भी हरियाणा में कहीं ना कहीं अपने मजबूती देख रहे हैं आने वाले वक्त में। सोरकी साहब कैसे देख रहे हैं, चूंकि दावा सरकार तो कर ही रही है, मेयर साहब भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल वो उठा रहे हैं, लेकिन अपनी भी उपलब्धि बता रही है कांग्रेस कि उन्होंने बहुत कुछ किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से और आपके इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि महज गठन के 10 साल के अंदर आज आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी बन के एक इतिहास रचा है, और उसी का परिणाम है कि आज राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, आपके सभी इनको और यहाँ जो दर्शक बैठे हुए हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और आप एक चीज़ देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक सोच लेके चले, एक नीति लेके चले कि ये जो जात के नाम पे, धर्म के नाम पे ये जो राजनीति हो रही है इसको बदला जाए, और उन्होंने सारी राजनीति को बदल के बेहतर शिक्षा के लिए काम हो, बेहतर स्वास्थ्य के लिए काम हो, बेहतर जन सुविधाओं के लिए काम हो, और उसी का परिणाम है आज आम आदमी पार्टी को बहुमत पे बहुमत दिल्ली में मिला जा रहा है, उसके बाद पंजाब में मिला। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर, पूरे देश के अंदर सिर्फ एक सरकार ऐसी है जो ये कहती है कि आपको अगर सरकार से काम है तो आपको कहीं नहीं जाना, सरकार आपके घर आएगी। और ये काम केवल दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, और ये पूरे हरियाणा के लिए, अभी तो आपकी जमानत जब्त हो गई थी, आदमपुर चुनाव याद है क्या आपको, क्या हुआ था आदमपुर चुनाव? बिल्कुल याद है। कह रहे थे कि विधानसभा का रास्ता खुल जाएगा आम आदमी पार्टी का हरियाणा में। बिल्कुल, आदमपुर चुनाव बिल्कुल याद है। आप आदमपुर चुनाव के बाद देखिए, आम आदमी पार्टी को पंचायत चुनाव के अंदर बहुत जोरदार मजबूती से आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है, और बहुत जोरदार तरीके से आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है। और ठीक है सौंकी जी, लेकिन एक सवाल जब भी पूछा जाता है आम आदमी पार्टी को लेकर के, चूंकि हालांकि हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी बात को रखती है, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में जब भी आम आदमी पार्टी की बात होती है दोनों पार्टियां ये कहती हैं SYL पे स्टैंड क्या है, बस वो आप पहले क्लियर कर दीजिए, क्या स्टैंड है आम आदमी पार्टी का हरियाणा में? देखिए, आम आदमी पार्टी का हरियाणा
जो SYL पे जो स्टैंड है पानी दे रहे हैं हरियाणा को देंगे, बिल्कुल क्लियर है कि दोनों प्रदेश को SYL का पानी मिलना चाहिए। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, आप SYL के मुद्दे पे मोदी जी ने दादरी के अंदर एक जनसभा की थी, लोकसभा चुनाव के दौरान जो है ना एक दादरी के अंदर जनसभा हुई थी कि हम पाकिस्तान का पानी रोक के हरियाणा और पंजाब के किसानों को देंगे। आप ये बताइए कि मोदी जी की क्या नजदीकी है पाकिस्तान के साथ, मोदी जी की क्या दुश्मनी है हरियाणा पंजाब के किसानों के साथ? आपकी तो सरकार है ना पंजाब में, बस पानी के लिए नहर तो खोद दीजिए, आप तो नहर भी नहीं खोद रहे हैं, पानी तो बाद में देंगे, पहले नहर तो बना दीजिए। पानी देना अगर सरकारों ने देना होता या ऐसे पानी मिलता होता तो इससे पहले सरकार का काम नहीं है, तीनों जगह सरकारों का काम नहीं है, उसमें सरकार का कोई इंटरफेयर। अभी हुड्डा साहब बैठे थे, वो इसी बात का जिक्र कर रहे थे। और यहाँ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जनता बहुत समझदार है हरियाणा की, आप जो बात कह रहे हैं राजनीतिक तौर पे वो समझ रही है, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है ना समझ रही है, वो समझ रही है। एक मिनट समझिए आप, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ये है, पंजाब सरकार को डायरेक्शन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये है, CPWD केंद्र सरकार का महकमा है जिसको आदेश दिया गया है कि आप नहर खोदेंगे, किसके अंडर आता है वो CPWD, और कोर्ट का जो फैसला है उसको लागू करना किसका काम है, केंद्र सरकार को डायरेक्शन है, CPWD केंद्रीय जो PWD है उसको डायरेक्शन है आप नहर खोदिए। और मोदी जी दावा करते थे पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, तो कहाँ है वो दावा बताइए आप ये कह रहे हैं कि केंद्र को ये कर देना चाहिए, उसमें पंजाब सरकार को कोई एतराज नहीं है, आपका स्टैंड यही है ना, केंद्र अपना काम कर दे, सरकार तो आपकी है ना, दोनों लोग टेबल पर बैठ रहे हैं, दिल्ली में सरकार निकाल सकते हैं, मना क्यों कर रहे हैं, क्यों अड़ रहे हैं, इन दोनों को सोचना चाहिए, देश के बारे में, हरियाणा के बारे में, दिल्ली के बारे में। जब दो भाइयों का झगड़ा हुआ पंजाब और हरियाणा का पानी के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया कि ठीक है जो हक पंजाब का हरियाणा का पानी का है वो उनको दे देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से केस जीत गए। उसके बाद आज आपकी सरकार पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है, क्यों नहीं पानी देते, देना चाहिए हरियाणा में पानी दे, दिल्ली में पानी दे। भूपेंद्र हुड्डा तो कह रहे थे कि कंडेम ना कोर्ट आपको करना चाहिए, आप एक बात तो कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, आपको करना चाहिए, और केंद्र में आपकी सरकार है, पार्टी की 7 महीने हुए, उससे पहले तीनों जगह नहीं, बिल्कुल सही बात है, सबकी जिम्मेदारी दोनों लोगों की भी है, लेकिन आप भी उसी लाइन में है सर, जब आप देखते हो SYL पर, और दूसरा ये यहाँ पर भी जो रोहतक के अंदर भी जो समस्याएं हैं, आप कह रहे थे कि आपने यहाँ पर बड़ा बदल दिया, सर तो कह रहे हैं कुछ नहीं बदला रोहतक में, और खराब हो गया हमारे पास, यहाँ पर रिकॉर्ड तो है नहीं, रिकॉर्ड तो हमारे पास निगम में है, आप निगम में आके देखिए जो पिछले सरकारों ने काम करवाया और जो हमने करवाए हैं उसकी तुलना आप करके देखिए, अगर लिखित में चाहिए मुझे कहा होता तो मैं लिखित में सारी डिटेल। सहगल साहब भूल गए अपने कामों को ही, याद नहीं है। चलिए एक दो तीन काम, दो काम तो कोई आप बता सकते हैं ना कि आपने बेहतर किया हो, जो क्या बेहतर किया बताइए। रोहतक बात सुनो, कोविड के अंदर सुनो, सबके लिए बताता हूँ मैं एक बात, कोविड के अंदर क्या हुआ कि इतनी जबरदस्त तरहिमा मचा था सेकेंड वेव के अंदर कि मैंने कभी ऐसा दृश्य कभी देखा नहीं था, और बड़ी स्पीडली डेथ हो रही थी, जिस शमशान भूमि का मैं प्रधान हूँ शिव मंदिर का, वहाँ पर इमीजिएट हमारे को एक सोलर का प्लांट चाहिए था जिसे डेड बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि लकड़ियों की कंजम्पशन खत्म हो गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी रोहतक आए हुए थे रेस्ट हाउस में, मैंने मुख्यमंत्री से मिलने का समय लिया, मुझे इमरजेंसी 2 मिनट काम है आपसे, बोला आ जाओ, मैं गया और मैंने कहा कि ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है, हमें डेड बॉडी के लिए लकड़ी नहीं मिल रही और इमरजेंसी हमारे को फर्नेस लगाना पड़ रहा है यहाँ पर, और आप अभी लगवा के दीजिए। उस समय मैं यहाँ DC साहब को उन्होंने फ़ोन किया कि आप जाइए जाके मिलिए, अभी आप इम्प्लीमेंट करा लीजिए। तो ऐसे मुख्यमंत्री ने दुख के समय में 5 मिनट भी नहीं लगाए, इम्प्लीमेंट करा करके उसी टाइम फर्नेस की मशीन लगा दी, और हमारे सांसद जी को मैंने मैसेज किया, सांसद जी ने तुरंत प्रभाव से अपने फटाफट 1 हफ्ते के अंदर मशीन लगा कर काम चालू करा दिया। तो जिस समय में जरूरत थी लोगों की, लोग मुसीबत में थे, लेकिन सर काम का काम करा करके, सुनो एक मिनट, 600 कोविड के संस्कार मैंने खुद करवाए, 600 एक मिनट, अरे भाई अगर चालू मशीन नहीं होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा मैं अभी। चलिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, बड़ी बात इन्होंने कही, अगर मशीन चालू नहीं होगी तो मैं इस्तीफा दूंगा, ठीक है अभी अपनी बात रख, अपनी बात रखने दो, उसके बाद मैं साथ चले जा रहा हूँ, बात रखने दो सहगल, ठीक है। अरे रुको भाई साहब, अपनी बात रखो, इस कार्यक्रम के बाद आप बिल्कुल ले जाइएगा, मैं मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, बड़ी बात कह रहे हैं, इस्तीफा देने पे बात कह रहे हैं वो, सुनो मेरी बात, सुनो यहाँ के बाद चले जाना, मीडिया के अधिकारी बैठे सर, एक मिनट, मीडिया वाला कोई भी VC कॉल करके अभी देख सकता है, अभी
और बड़ी पंचायत को दिखा सकता हूं मैं अभी। लेकिन सहगल साहब सवाल इससे भी आगे ये है, मैं बात कर सुनो सवाल... आपकी बात अभी बात आपकी रह गई, आ रहे हैं आपके पास, मैं उत्तर दे रहा हूं। एक मिनट रुको, 600 से ज्यादा कोविड के संस्कार हमने करवाए। बड़ा दुख का विषय है कि 600 संस्कार कराने के बाद रोहतक शहर के अंदर से लोग जो है फूल लेने भी नहीं आए, जबकि मेरे वहां से हर व्यक्ति को कॉल करवाई, 6 महीने तक मैं कॉल करवाता था कि आप ले जाइए। गर्ग साहब सुनिए सुनिए, उसके बाद हिंदू रीति रिवाज के साथ हमने वहां पर दाह संस्कार करवा करके उनको कंखल में, जो व्यक्ति चले गए इस दुनिया से उनका अंतिम संस्कार भी मैंने हरिद्वार जाके करवा के आया, ये ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन कोविड के प्रबंधन को सवाल उठे हैं आप, कोविड के प्रबंधन से आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि आप केवल एक का एक जिम्मेदारी नहीं, उससे आगे की भी जिम्मेदारी, शहर को संभालने की जिम्मेदारी आप पर है, उस पर भी तो बात करिए ना। आप सड़कें नहीं बना पाए, इंडस्ट्री एरिया में सड़कें टूटी हुई है, पार्कों की साफ सफाई नहीं हो रही, शहर गंदा पड़ा है, आपकी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं उसे? मेरी बात सुनिए, जब एक वेव के बाद दूसरी वेव आई, पैसे की हमारे पास कमी थी, अभी पीछे जो कोविड में इतने पैसे खर्च हो गए प्रदेश में और देश में, उस वजह से फंड की हमारी कमी है। आप कह रहे हैं फंड की कमी, फंड फंड मैं आयुष के बाद सिलसिलेवार ढंग से मैं एक बार उत्तर दे देता हूं। गर्ग साहब आप ये देखिए, अब मैं रोहतक से निकलकर थोड़ी बात है ना बड़ी कर रहा हूं, ये अकेली ऐसी सरकार है जो जीएसटी में फैल रही, नोटबंदी में फैल रही, और अभी हमारे जो डिप्टी मेयर साहब है ये कोरोना की बात कर रहे हैं। इस देश को नोटबंदी की फेलियर से तकलीफ नहीं हुई, सिर्फ आर्थिक दिवाला निकला था। इस देश को जीएसटी की फेलियर से दिक्कत हुई क्योंकि आर्थिक दिवाला निकला था। इस देश को सरकारी जो नाकामी थी, कोरोना का फैलाव हुआ, लोगों की जाने गई, और जिस शमशान के हमारे भाई ये प्रधान है, ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा, शमशान घाट के अंदर मुर्दों को फलाने के फूकने के लिए शमशान घाट का एरिया बढ़ाया गया था कोरोना काल के अंदर, ये सरकार की सबसे बड़ी फेलियर थी। और मैं दूसरी बात आपको और बता दूं, जो ये अभी हमारे मेयर साहब कह रहे हैं कि इनके पास रिकॉर्ड नहीं है, आप ये समझिए कि हमारे पास, हमने 8 साल 2014 तक काम किए। मैं आपको, आप बहादुरगढ़ से शुरू कीजिए और ये भिवानी की तरफ चलिए, आप इधर गोहाना से शुरू कीजिए और झज्जर तक चलिए, रोहतक की अगर आप बात करोगे तो रोहतक के अंदर जितने शिक्षा के संस्थान खुले, जितने हेल्थ के संस्थान खुले, जितने यहाँ बहु बेटियों के लिए खुले, ये सारी चीजें मैं आपको रोड के अभी बगैर किसी आंकड़े के गिना देता हूं। मैं मेयर साहब से 2 सवाल करना चाहता हूं, ये गाय गंगा और गीता को मानने वाले लोग हैं, हम भी मानने वाले लोग हैं, लेकिन इनके नाम का ढिंडोरा नहीं पीटते, वोट नहीं मांगते। अगर ये गाय गंगा और गीता को मानते हैं तो शपथ लेकर बताएं, क्या रोहतक निगम के अंदर भ्रष्टाचार नहीं है? ये गाय गंगा गीता को मानते हैं तो शपथ लेकर बताएं, क्या तहसील के अंदर भ्रष्टाचार नहीं है? ये गाय गंगा अगर गीता को मानते हैं तो शपथ लेकर बताएं, क्या इस शहर की सड़कें टूटी हुई नहीं है? मैं ऐसे बहुत एग्जाम्पल दे सकता हूं। आप जिम्मेवार पद के ऊपर बैठे हैं, आप जिम्मेवारी से जवाब दीजिए। ये सवाल जनता के हैं, ये सवाल विपक्ष के हैं, आप कांग्रेस के सवाल कीजिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का पूछिए, मैं जिम्मेदारी के साथ आपको जवाब देता हूं। मुख्यमंत्री जी ने फ्लाइंग की टीम जो निगम के बाहर भी रहती है और रोहतक शहर के अंदर भी रहती है, जो सीएम स्क्वाड है, सीएम की फ्लाइंग टीम है, वो स्पेशल हमारे कानों तक उनकी बात आती है कि सर आपको कोई भ्रष्टाचार नजर आए या कोई पैसा मांगता नजर आए तो आप कृपया हमारे कान में डालें। पीछे एक अधिकारी अभी निगम में रिश्वत लेता पकड़ा गया है। देखिए आप तो डाटा नहीं लाए हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं। नहीं, हमें तैयारी नहीं चाहिए, हम समाज के समाज अभी यहाँ मनीष ग्रोवर जी बैठे थे, उन्हीं के ऊपर उनके सांसद ही आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार के। बताओ सहगल साहब, नहीं लगाते हो तो बताओ आप। देखो मन में किसी के लिए कोई द्वेष और कितने आरोप लगाते हैं बात है, लेकिन और जब एमपी साहब आरोप लगाते हैं उसके बाद जब सम्मेलन होता है तो उसी एमपी को भाजपा के स्टेज के लिए ऊपर स्थान नहीं मिलता, कुर्सी नहीं मिलती, ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है कि अपने ही मेंबर पार्लियामेंट को। रोहतक शहर से जुड़े हुए अगर कोई सवाल है तो ले लें, शहर से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, क्योंकि हमारे साथ मेयर साहब है, मैं तो शहर से जुड़ा हुआ सवाल, एक एक करके इनको शहर से जुड़ा हुआ सवाल, शहर से जुड़ा हुआ सवाल पूछिए आप। सवाल नमस्कार सर, एक मिनट छोड़िए तो सही। हाँ कोई बात नहीं, आप सवाल पूछिए, पूरा नहीं होता, एक मिनट छोड़ो तो सही, मैं भाग नहीं जाऊंगा। चलो दे दो आप इन्हें, छोड़िए तो सही, एक मिनट छोड़ दो। नमस्कार सर, अभी सर ने कहा कि कोरोना में इन्होंने 50,000 रुपए के ऑक्सीजन के सिलेंडर मिले थे, इसको छोड़ देते हैं। 12 अक्टूबर को एकता कॉलोनी में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था जिसमें पूरा घर गिरा था, एक वाल्मीकि कोम से, मैं वाल्मीकि कोम से हूँ,
और एकता कॉलोनी में जो सिलेंडर गिराना, उसमें जो लेडीज थी, जो महिला थी, उसकी उम्र थी 29 साल। वो 95% डॉक्टर ने बोल दिया था उसी दिन के ये बर्न हो चुके, जल चुकी है, 95% जली हुई थी वो औरत। 7 दिन बाद उसको वेंटिलेटर मिला। मनीष ग्रोवर के आपके सबके चक्कर काटते रहे, मैं ये पूछता हूँ कि ये मेडिकल इतना पाबंद क्यों है आपके फोन कॉल का कि एक मरीज को वेंटिलेटर देने के लिए एक मनीष ग्रोवर का या एक MPML का फोन चाहिएगा? इसका जवाब सच में सच्चा जना, घटना कल आपके साथ भी हो सकती है, शहर में किसी और के साथ भी हो सकती है। ये जवाब जरूर देना सर, ये फोन कॉल पे, वहां से फोन कॉल होती है, यहाँ वेंटिलेटर मिल जाता है 7 दिन बाद। सवाल हो गया, सवाल अभी जवाब, हाँ जवाब, बैठो बैठो बैठो, जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। जब कोरोना काल के अंदर भी, जवाब देना, मैं बताता हूँ, हाँ उसी पे, उसी पे आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। जब उसमें ये तो पता नहीं था कि इतनी बड़ी त्रासदी एकदम आ जाएगी, और हम इस चीज के लिए प्रिपेयर भी नहीं था देश कि हमें इतनी चीज की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद भी नवीन जिंदल जी ने अपने प्लांट से हमारे को ऑक्सीजन दी, जिससे हम रोज, हमारे पास 100 सिलेंडर आते थे और हमने यहाँ रखवा रखे थे, जिसको जरूरत होती थी हम सिलेंडर भर भर के खुद देते थे। हमने गांधी कैंप के अंदर भी सिलेंडर दिए खुद। सुनो 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 मेरी बात, सुनो मेरी बात। हमने, मैंने खुद उसका इंचार्ज था, DC साहब उसके इंचार्ज थे, मेयर साहब उसके इंचार्ज थे, मैं खुद स्वयं बैठ करके, मैंने ज़्यादा तो नहीं कहता, मैंने अपने अपने दो अपने घर से 2 लोगों को खोया, मैं फिर भी शहर छोड़ के भागा नहीं था। मेरी खुद की मदर भी, खुद की भाभी एक CMD के अंदर गई थी सेकेंड वेव में, फिर भी मैं शहर के छोड़ के भाग नहीं गया था और खड़ा होकर लोगों को सिलेंडर दे रहा था, किसी को ऑक्सीजन, किसी को वेंटिलेटर और किसी का एडमिशन करवा रहा था कि खाली नहीं बैठा था। लेकिन अब ये त्रासदी इतनी बड़ी थी कि उसको मेंटेन करने के लिए समय लगा। आज सरकार ने कंपलसरी कर दिया है, हर बड़े अस्पताल प्राइवेट के साथ ऑक्सीजन का प्लांट अनिवार्य कर दिया गया है, जो लग चुके हैं, लोगों ने लगवा लिए हैं। चलिए और सवाल लेते हैं। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद, आपने जवाब दिया सर। एक सवाल यहाँ से, आप अपना सवाल। मैं एक अभी माननीय आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि एक बात कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया। नरेंद्र मोदी जी ने वो कर दिया कि आज पाकिस्तान कटोरा लेके घूम रहा है हाथ में, वो अगर भिक्षा दे दो कोई। और दूसरी बात इन्होंने ये की कि नहर की बात की, सतलुज जमुना लिंक नहर, ये पंजाब का आदेश आया हुआ सुप्रीम कोर्ट का खोदने का, और आपने खोद दिया, वापस सरकार ने खोदने दे रही। तीसरी बात गर्ग जी ने कही मान सम्मान की बात, भाई हमारे यहाँ मान सम्मान नहीं, आपने तवर का क्या मान सम्मान किया बताओ, क्या किया आपने? ठीक है, मैं उत्तर दे दूं, से जवाब दे दूं, मिनू ने मेरा नाम लिया है, एक एक के बाद जवाब लेते हैं। जो हमारे साथी ये सवाल पूछ रहे हैं, 2014 के अंदर जब मोदी जी आए, मैं पाकिस्तान के संदर्भ में आपको बता रहा हूं, इस प्रकार के सब्ज बाग इस देश को दिखाए गए कि मोदी जी इधर शपथ लेंगे और उधर पाकिस्तान सरेंडर कर देगा। 8 साल हो गए हैं, पाकिस्तान एज इट इज है, कटोरा लेकर घूम रहा या नहीं घूम रहा किसी को नहीं पता, लेकिन जब चाइना का नाम आता है आपके मुंह में दही जम जाती है क्या? प्रधानमंत्री अपने आप को लोह पुरुष बोलते हैं, एक बार भी चाइना का नाम लेते हैं, आप लोगों को कहा जाता है चाइना की झालरों का बहिष्कार करो, आयात 43% आयात बढ़ा दिया, 100 करोड़ अरब करोड़ से ज्यादा घाटा बढ़ा दिया चाइना का नाम, जो 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 चाइना हमारी सीमा के अंदर घुसाया। अरे आप पार्लियामेंट के अंदर चाइना के ऊपर चर्चा करने से क्यों भागते हो? चाइना का नाम लेते हो, अंदर आपके मुंह में दही जम जाती है क्या? देखिए मैं जवाब देना चाहूंगा, एक मिनट जी, एक मिनट, एक मिनट, चलिए, हाँ जी, हेलो, एक मिनट, एक एक करके, एक एक करके आराम से पूछेंगे सवाल तो जवाब भी आएगा। 2014 से पहले देश के पास इतना एमुनेशन भी नहीं था कि हम बांग्लादेश से लड़ सकें, पाकिस्तान की तो बात छोड़िए। एक मिनट रुको 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 रुको, एक मिनट रुको, ये भाई करते हैं क्या बात करते हो आप सैकल साहब, एक मिनट रुको, एक मिनट करते हो आप, मेरी बात सुनो, एक मिनट रुको जी, मैं उत्तर दे दूंगा, इनसे बात कर रहा हूँ, क्या जवाब है? एक मिनट रुको, जब मेरी बात सुनो, जब एक मिनट, ये कौन सी बात कर रहे हैं? समय की कमी है, एक मिनट बैठ, एक मिनट की कमी है, बैठो बताता हूँ, मेयर साहब बैठो, चाइना से जब युद्ध हुआ, बैठो से बैठो, अरे यार बैठो नहीं, चलिए ठीक है, अब समय मुझे इससे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है, ये चर्चा मुझे यहीं समाप्त करनी पड़ेगी, चूंकि आप देख रहे हैं काफी एक मिनट आप दो समय की मेरे पास बाध्यता है,
रोहतक कॉन्क्लेव लगातार जारी है, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन वापस।